नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रिहल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रिहल और मैं आज आप लोगों के लिए एक यूनिक वीडियो लेके आया हूँ। अब तक का सबसे ज़्यादा यूनिक वीडियो ये रहा है, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक नॉर्मली कंप्यूटर अगर आप लोग खरीदते हैं तो किस तरीके से आप लोग उसे स्टार्ट कर पाएंगे। डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग अगर आप लोग कंप्यूटर आपने बनाया है, ठीक है, तो आप लोगों को मेन पार्ट्स आपको पता ही होंगे। मेन पार्ट्स का अगर आपको नहीं पता तो मेन पार्ट्स के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग कंप्यूटर का पावर सप्लाई ऑन कर लीजिए और यहाँ पर देखेंगे आप लोग UPS, ठीक है। UPS के साइड में आप लोगों को एक बटन दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मेन पावर का बटन है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसे ऑन कर लेंगे। तो UPS का मेन काम क्या होता है, UPS का मेन काम ये होता है कि अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ से सपोजली लाइट चल जाती है तो कंप्यूटर को ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देता है। देखिए ये मेन पावर प्लग है मेरा, तो मैं इसको यहाँ से अगर ऑफ भी कर दूँ तो कंप्यूटर मेरा अभी भी चल रहा है, ठीक है, ये बिना रुके इसको पावर देता है। अगर आप लोग सोचे कि हाँ इसको इन्वर्टर के पीछे जोड़ लेते हैं, तो इसका काम है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई UPS, मतलब जैसे भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है, तो ये उसी समय उसको पावर दे देगा, बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लोग कंप्यूटर चल रहा होगा, अगर आप लोगों का इन्वर्टर जुड़ा भी है तो वो उसके बीच में कटआउट मारता है, ठीक है, कटआउट मारता है, उस कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। इसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए होती है, इस वजह से UPS आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हालांकि इससे थोड़ा सा बैटरी पैकअप होता है, जिस हिसाब से आप लोग इसे चार्ज करते रहते हो उस हिसाब से बैटरी पैकअप होता है। धीरे धीरे इसकी बैटरी की पावर जो है कम होती रहती है, अगर आप लोग इसके अंदर बाद में इसका ढंग से मेंटेनेंस रखते हैं तो वो ठीक चलता रहता है, ठीक है। तो इसका UPS का एक मेन काम यह है, कुछ लोग बिना कंप्यूटर को डायरेक्ट चला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत जुगाड़ों का देश है, तो वहाँ पे क्या होता है इसको भी डायरेक्ट चला लेते हैं, तो डायरेक्ट आपको बता दूँ नुकसान होता है, उससे आप लोगों को डाटा लॉस होता है। प्लस डाटा लॉस तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि डाटा कुछ लोग हैवी बनाते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम बनाते हैं, तो दोबारा रिकवर कर लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन कुछ लोग जो है डाटा को रिकवर करने से वो तो हो जाता है, लेकिन विंडो पे जो असर पड़ता है वो बाद में फिर उनको फॉर्मेट करना पड़ता है। मैं आपको ये बताऊंगा कंप्यूटर फॉर्मेट कैसे करते हैं, लेकिन वो सब बात की बात है। फिलहाल चलिए मैंने आप इसकी पावर सप्लाई इसको दे दी है। अब CPU के जो बटन हो मैं उसको क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ से चेकआउट कर देंगे। यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं मैसेज रहे हो कि ये है रिस्टार्ट का बटन और ये है पावर का बटन, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक। थोड़ा सा और मेन पावर देता हूँ, ये है कीबोर्ड और ये है मैंने एक एक्सटेंडर लगाया जिसके अंदर बहुत सारी USB में कनेक्ट करता हूँ। देख सकते हैं आप लोग मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। हालांकि मैंने विंडो जो इसके अंदर डाली है वो है स्टार्टिंग विंडोज़ एरो ब्लू। आप लोगों का विंडो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, सॉरी 9 बोल रहा हूँ, विंडो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। कुछ लोग XP यूज़ कर रहे होंगे तो कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन XP अब जो है कंपनी ने जो है मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है। तो फिलहाल मैं एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बेस्ट बैठता है मेरे सारे कामों के लिए। तो बिल्कुल स्टार्टिंग लॉगिंग सब कुछ ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अब जो आपको खुला है इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, इसको जब भी बोलेंगे इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। ये आप लोगों को साइड में आइकॉन्स दिख रहे होंगे, ठीक है, जो जो आपने सॉफ्टवेयर डाले होंगे यहाँ पे आपको आइकॉन्स दिख जाएंगे, ठीक है। ये जो नीचे है इसको बोलते हैं टास्क बार, इसको नीचे बोलते हैं टास्क बार, और ये है आप लोगों का स्टार्ट मेन्यू। तो ये तो मैंने आपको बताया कंप्यूटर को आप लोग स्टार्ट कैसे कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर को आप लोग स्विच ऑफ कैसे करेंगे, ठीक है, कम से कम प्रॉपर्ली शट डाउन आप लोग कैसे कर पाएंगे कंप्यूटर को। तो यहाँ से आप लोग देखिए, ये देखिए मैं माउस को इधर लेके गया हूँ, जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं माउस को घुमाऊंगा वैसे वैसे ये माउस घूमता रहेगा। अब इस माउस को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप लोग स्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक करा। स्टार्ट बटन के बाद मेरे कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ खुल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये देखिए शट डाउन, ठीक है। तो मैं अभी से शट डाउन करने वाला हूँ कंप्यूटर को, क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ आप लोगों को कंप्यूटर स्टार्ट करना और ऑफ करना सिखाना है, बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को आने वाले भविष्य में बताऊँगा। तो ये मैंने यहाँ पे शट डाउन किया। शट डाउन करने के बाद आप लोगों का कंप्यूटर प्रॉपर्ली सारी चीज़ों को सेव करके ढंग से ऑपरेटिंग सिस्टम सेव करके उसे सेव करेगा, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा आ रहा है शटिंग डाउन। इसी तरीके से आप लोग सारे कंप्यूटर करते हैं, स्टार्ट पैनल में जाकर आप लोग इसे कंप्यूटर को स्टार्ट और शट डाउन वगैरह ऑफ वगैरह कर सकते हैं, तो कंप्यूटर आप लोगों का प्रॉपर्ली शट डाउन हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर मेरा पूरी प्रॉपर्ली शट डाउन हो चुका है, देख लेंगे आप लोग CPU कंप्लीटली बंद हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे UPS, तो UPS को भी यहाँ से मैं प्रॉपर्ली ऑफ कर दूंगा, ये प्रॉपर्ली ऑफ हो चुका है। और यहाँ से मेन पावर सप्लाई को आप ऑफ कर सकेंगे। कभी भी आप लोग कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ मत कीजिए, इससे आप लोग कंप्यूटर का लॉस होता है, आप लोग की विंडोज करप्ट हो जाती है। अगर आप लोगों की लाइट से जाती है उसके लिए आप लोग UPS रखिए। UPS का जो अच्छा सा लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रियल क्लासेस को देखने के लिए धन्यवाद। आने वाले भविष्य में आप लोग कंप्यूटर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा और हम लोग इसी तरीके से कंप्यूटर सीरीज करेंगे। हमें लोगों को कंप्यूटर समझाना है, सिखाना है, प्लस जो CCC CCC का जो पेपर होता है उसके लिए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो जुड़े रहिए रियल क्लासेस के चैनल से। देखने के लिए धन्यवाद।